हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग द अर्थ का लिथोस्फेयर का जो पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और जो फाइनल रिमेनिंग टॉपिक्स है यानी प्लेटोज और प्लेन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने पेटीएम कंट्रीब्यूटर्स को शाउट आउट कहना चाहूंगा, जैसे कि रजविंदर ने दिए हैं 11 रुपए, रोहित ने दिए हैं 21 रुपए, बूबू ने दिए हैं 11 रुपए, अजीत ने दिए हैं 100 रुपए, जितेन ने दिए हैं 11 रुपए, अखिल ने दिए हैं 11 रुपए, सुरजीत ने दिए हैं 10 रुपए और कुछ अननोन नंबर ने दिए हैं 11 रुपए। तो मैं इनका थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और अभी तक 193 रुपीस कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटोज को। और मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे बोल देता हूँ कि ये दोनों जो टॉपिक्स है इसे हम बहुत ही ब्रीफली में पढ़ेंगे, सिर्फ ऊपर से देखेंगे कि कैसे ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन इसका जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो प्लेटोज क्या होते हैं? प्लेटोज कुछ नहीं, एक पीस ऑफ लैंड जो कि एलिवेटेड होते हैं, जिनका फ्लैट टॉप होता है और बहुत ही स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है। बिल्कुल टेबल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, इसे टेबल टॉप स्ट्रक्चर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो काफी लार्ज एरिया ऑफ लैंड होगा जो कि एक एरिया ऑफ लैंड से अबव एलिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो प्लेटू कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो पूरा वर्ल्ड का 1/3 हिस्सा है वो प्लेटू ही है, ये इसलिए मेजर लैंडफॉर्म में से एक है, ठीक है। प्लेटूज, प्लेन्स और माउंटेन्स जो है वो 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ प्लेटूज देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेटूज बेसिकली 2 टाइप में हम इसे बांट सकते हैं अगर एक ओवरव्यू देखें तो। तो पहला टाइप जो है वो है डाइसेक्टेड प्लेटू, जिसे टेक्टोनिक प्लेटू भी कहते हैं। तो ये बहुत ही हद तक फोल्ड माउंटेन्स जैसा सिमिलर है, क्योंकि ये भी फॉर्म होता है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट का जो 2 पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट के कारण ये फॉर्म होते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे फोल्ड माउंटेन्स ये फॉर्म होते थे, ठीक है। तो मैंने फोल्ड माउंटेन्स के समय आपको डायग्राम से नहीं समझाया था, तो मैं अभी आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फोल्ड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि 2 पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, 2 जो क्रस्ट का पार्ट्स है हमारा, वो मान लीजिए एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो एक प्लेट जो फोल्ड होके एक के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और दूसरा उसके नीचे आ जाता है। तो मैंने बताया था आपको फोल्ड माउंटेन्स के टाइम में जो पार्ट ऑफ लैंड ऊपर चला जाता है उसे कहते हैं एंटीक्लाइंस, और जो पार्ट नीचे चला जाता है उसे कहते हैं सिंक्लाइंस। तो सिंक्लाइंस फिर फाइनली जाके मैग्मा बन जाते हैं नीचे मेल्ट करके, और जो एंटीक्लाइंस से ऊपर करके या तो प्लेटू फॉर्म करते हैं या फिर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही अदर फॉर्म्स भी मदद करते हैं इसे प्लेटू बनने में, जैसे कि एजेंट्स ऑफ इरोजन, ये सब आके इसे फाइनली प्लेटू का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली ये फॉर्म होता है टेक्टोनिक मूवमेंट से। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जो टिबेटन प्लेटू है ये एक डाइसेक्टेड प्लेटू या फिर टेक्टोनिक प्लेटू है, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू जो है वो टिबेटन प्लेटू ही है, ठीक है। और ये कहाँ है? चाइना में, आप तो जान ही रहे हैं। तो टिबेट जो एरिया है वो, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू है, ठीक है। वोल्केनिक प्लेटू जो होता है वो सेकंड काइंड ऑफ प्लेटू होता है। तो हमने वोल्केनिक माउंटेन्स पढ़ा था, तो वोल्केनिक प्लेटू कैसे फॉर्म होता है? तो उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंट है कि इसमें मल्टीपल स्लो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस इरप्शन नहीं होंगे। इसमें एक लेयर फॉर्म होगा एक स्लो इरप्शन से, और फिर उसके बाद मल्टीपल लेयर्स उसी पे फॉर्म होंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, समझिए एक मोल्टेन मैग्मा जो है वो निकल के एक लेयर ऑफ लावा बन के जम जाता है, फिर काफी देर बाद एक और लेयर जमता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और लेयर जमता है। तो ये स्लो इरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इस कारण ये जो फॉर्म हो रहा है वो एक टेबल टॉप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक प्लेटू फॉर्म होगा, ना कि एक माउंटेन, ठीक है। माउंटेन में क्या होता है, एक जेंटल स्लोप फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो रॉक इसमें होगा, ठीक है, वो कौन सा रॉक होगा? वो रॉक होगा बेसल्ट। ये बेसल्ट क्यों हुआ? क्योंकि बेसल्ट मैंने बताया था कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी लावा को अर्थ के स्ट्रक्चर के जब बाहर जमे तो वो बेसल्ट फॉर्म करता है। इसलिए हमने देखा ये लावा जो है बाहर जाके जम रहा है, इसलिए एक बेसल्ट रॉक है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा जो डेकन प्लेटू है वो भी जो बना है वो वोल्केनिक इरप्शन से ही बना है, ठीक है। टिबेटन प्लेटू के बारे में एक और फैक्ट बता दूं कि इसे इंटर माउंटेन प्लेटू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सराउंडेड बाय माउंटेन्स है, ठीक है। ये जो प्लेटू है चारों तरफ से माउंटेन से घिरा है,
तो चलिए प्लेटू के बारे में बेसिक हमने पढ़ लिया कि ये कैसे फॉर्म होता है। डेकन प्लेटू के बारे में हम डिटेल में इंडिया जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेन्स की बात करते हैं, तो प्लेन्स में भी हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे, ठीक है। जो मेन गैंगेटिक प्लेन हमें पढ़ना है वो जब हम इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो प्लेन क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक लार्ज एरिया ऑफ सेम एलिवेशन, ठीक है, एक लो एलिवेशन या फिर एक बहुत ही जेंटल स्लोप जब रहे तो उसे प्लेन कहा जाता है, ठीक है। समतल जमीन को एक तरह से प्लेन कहा जाता है। तो ये फॉर्मेशन कैसे करता है, तो ये भी फॉर्मेशन बिल्कुल ही दो कारण से करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इरोजन। तो इरोजन में क्या होते हैं, जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं इरोजन के या फिर डिग्रेडेशन के, जैसे कि विंड होते हैं, वाटर होती है, इसके अलावा आइस का ग्लेशियर होता है, ये सारे जब इरोड करते करते एक लेयर ऑफ लैंड को समतल बना दे तो उससे फॉर्म होता है प्लेन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक लैंड है जो कि बहुत ही इररेगुलर है, ठीक है, एलिवेशन में कहीं ऊपर कहीं नीचे है, लेकिन कंटिन्यूस इसके ऊपर जब विंड बहेगा तो क्या होगा, ये फाइनली टाइम के साथ धीरे धीरे इरोड होते होते एक प्लेन फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ मेथड। तो इसका अगर हम अब सेकेंड काइंड ऑफ देखते हैं जो मेथड है वो है डिपोजिशन, ठीक उल्टा इसका इरोजन का। तो इसमें क्या होता है कि जो यही एजेंट्स ऑफ विंड है या वाटर है, यही अगर अपने साथ सॉइल कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और ये धीरे धीरे लेयर डिपॉजिट करते जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे ये वीक होते हैं, ठीक है, इनका पावर वीक होता है वहां पे ये डिपॉजिट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जहां पे स्ट्रांग होते हैं विंड और वाटर वहां पे ये इरोड करते हैं, लेकिन जहां वीक होते हैं वहां ये डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है लोएस्ट प्लेन, ठीक है। तो लोएस्ट प्लेन क्या होता है, ये लोएस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में आ चुका है, ठीक है। लोएस्ट का वर्ड का मतलब होता है ए वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ सैंड, ठीक है, बहुत ही फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट, ठीक है, उसे लोएस कहते हैं। और लोएस प्लेन कैसे फॉर्म होता है, यही विंड से जब कैरी होते होते एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाए तो लोएस प्लेन फॉर्म करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना का जो प्लेन है, ठीक है। तो चाइना में लोएस प्लेन मौजूद है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल देखें इंडिया का गैंजेटिक प्लेन, तो ये कैसा प्लेन है, इट इज अ काइंड ऑफ एलुवियल प्लेन, ठीक है। तो एलुवियल प्लेन क्या होता है, एलुवियल प्लेन फॉर्म होता है रिवर के द्वारा, ठीक है। रिवर जब माउंटेन्स में बहता है तो वो काफी तेज रहता है, काफी उसमें बहाव में गति रहती है, तो वो रॉक्स को इरोड करता है, ठीक है। फिर उसी इरोडेड रॉक को जब वो डिपॉजिट करने आता है, ठीक है, नीचे वाले लेयर्स में, तो वो डिपॉजिट करता है एलुवियम। एलुवियम कुछ नहीं, उसी रॉक, वही रॉक जब फर्टाइल सॉयल बन जाते हैं तो उसे एलुवियम कहते हैं, ठीक है, नीचे आते आते, और फिर उसे वो डिपॉजिट कर देता है नीचे के लैंड पे और वो बन जाता है एलुवियल प्लेन्स, ठीक है। तो हमने बेसिक्स पढ़ा प्लेटू और प्लेन्स के बारे में, जाना लोएस्ट प्लेन क्या होते हैं, एलुवियल प्लेन्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमने देखा डाइसेक्टेड प्लेटू के बारे में और वोल्केनिक प्लेटू के बारे में, साथ ही साथ टिबेटन प्लेटू को हमने जाना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेटू है, और साथ ही साथ इसे इंटरमाउंटेन प्लेटू भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाइड्रोस्फेयर, और इस ये काफी लंबा टॉपिक रहेगा, इसमें हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे ओशंस के बारे में, रिवर्स के बारे में और भी डिफरेंट वाटर बॉडीज के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ 11 रुपए देकर सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।